फार्मेसी पढ़ रहे हैं हम लोग, यूनिट नंबर चल रहा है 4 पेरेंटल प्रोडक्ट्स। और आज अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि पेरेंटल प्रोडक्ट जब भी हम बनाते हैं, यानी इंजेक्शंस, एम्प्यूल्स, वायल्स जब हम बनाते हैं तो कितने स्टेप्स होते हैं। आज प्रोसेसिंग की बात करेंगे या प्रोसीजर। आपसे एग्जाम में दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइट, व्हाट आर द प्रोसेसिंग ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट्स, यानी कौन कौन से प्रोसेस होते हैं बनाने के समय, या आपसे पूछ सकता है कि राइट डाउन द प्रोसीजर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग या प्रिपरेशन ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट्स। तो हम प्रोसेसिंग या प्रोसीजर की बात करेंगे। तो जी हाँ, इंडस्ट्रियल फार्मेसी पढ़ रहे हैं, यूनिट नंबर 4 चल रहा है, बी फॉर्म 5th सेमेस्टर का, और बहुत जल्दी सिलेबस खत्म करेंगे, आपके नवंबर से पहले पहले सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो 9 स्टेप होते हैं, बारी बारी से जान लेते हैं। पहले सबके नाम पढ़ेंगे, आप डालिए हेडिंग और आप लिखेंगे पहला पॉइंट कि इट कंप्लीट्स इनटू फॉलोइंग 9 स्टेप्स, और 9 स्टेप्स के नाम लिख लीजिए। पहला है क्लीनिंग ऑफ कंटेनर्स, क्लोजर्स एंड इक्विपमेंट्स। दूसरा है कलेक्शन ऑफ मटेरियल्स। तीसरा है प्रिपरेशन ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट्स। चौथा है फिल्ट्रेशन। पांचवा है फिलिंग। छठा है सीलिंग द कंटेनर। सातवा है स्टेराइजेशन। आठवा इवेल्युएशन। एंड द 9th वन इज द लेबलिंग एंड पैकेजिंग। बहुत आसान तरीके से हम समझेंगे, बारी बारी से समझेंगे और सबको खत्म करेंगे, जैसे घर में हम कोई सब्जी बनाते हैं उसी तरह से आसान तरीके से समझेंगे। तो जब भी हम पेरेंटल प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं बनाना, तो उसमें पहला स्टेप है क्लीनिंग ऑफ कंटेनर्स, क्लोजर्स एंड इक्विपमेंट्स। अगर हमारा जो भी पेरेंटल प्रोडक्ट्स है दोस्त, अगर उसको हम जिस चीज से, अगर उसको हम वॉयल हमारा है, ठीक है, अगर वो वॉयल यानी सीसी के रूप में है, तो इसका कंटेनर और इसका जो ऊपर लगने वाला ढक्कन है यानी क्लोजर, कंटेनर और क्लोजर, इन दोनों को हम पहले जितना भी मान लीजिए हमको 1,00,000 का बैच बनाना है तो 1,00,000 सारे कंटेनर्स निकाल लेंगे, या अगर हमको एम्प्यूल बनाना है तो वो एम्प्यूल हम ले लेंगे जितना भी है 1,50,000, उन सबको प्रॉपरली क्लीन कराएंगे, उसको पहले टैप वाटर से वॉश करेंगे, बहते हुए पानी से, नल के पानी से वाटर से वॉश करेंगे, या इसके साथ साथ हम लोग इसको हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन के साथ भी इसको वॉश कर सकते हैं, या पाइरोफॉस्फेट सोल्यूशन से वॉश कर सकते हैं, या गर्म पानी से वॉश कर सकते हैं, उसे नॉर्मल वाटर से वॉश करना जरूरी है। वॉश करने के बाद इसको ड्राई करेंगे, फ्लेमिंग कराएंगे ताकि हीट से थोड़ा सा ड्राई होगा, इसके माइक्रोस बैक्टीरिया जो है वो किल होंगे। और इसके साथ साथ जिस इंस्ट्रूमेंट में, देखिए ये तो हो गया क्लोजर और कंटेनर, जिसको हम बना रहे हैं बनाने से पहले, या फिर जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है जिस मशीन के द्वारा, यानी फिलिंग मशीन, पैकिंग मशीन, सीलिंग मशीन, जितनी भी मशीन का उपयोग होने वाला है, उन सभी इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपरली क्लीन और वॉश करेंगे, स्टरलाइज करेंगे। क्यों? क्योंकि हम बना रहे हैं पेरेंटल प्रोडक्ट। अगर आपके कंटेनर में ही खराबी है, जैसे मान लीजिए अगर आपसे मैं आपसे कहूं कि आपको सब्जी बनानी है, आपने सब्जी काटा, उसको बहुत अच्छे से धुला, आपने कुकर बहुत अच्छे से वॉश किया, आपने सब कुछ किया, लेकिन जिस कंटेनर में आप खाना बनाने जा रहे थे, जिस कढ़ाई में, उस कढ़ाई में पहले से ही गंदगी थी, तो सब्जी आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी, सब्जी खराब हो जाएगी। उसी तरह से जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, जितने भी क्लोजर कंटेनर है, सबको प्रॉपरली वॉश करना है, स्टरलाइज करना है, ये सबसे पहला स्टेप, ठीक है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, हेडिंग है क्लीनिंग ऑफ कंटेनर्स, क्लोजर्स एंड इक्विपमेंट। इसमें क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कलेक्ट ऑल द क्लोजर्स एंड कंटेनर्स लाइक वॉयल्स एंड एम्प्यूल्स, ठीक है, एंड ऑल द इंस्ट्रूमेंट विच आर यूज ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द पेरेंटल प्रोडक्ट्स शुड बी वॉश्ड एंड ड्राइड एंड स्टरलाइज्ड प्रॉपरली। इट शुड बी वॉश्ड विद द टैप वाटर, अदरवाइज इट इज वॉश्ड विद द हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन। हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन इट इज यूज्ड फॉर द वॉशिंग एंड ड्राइंग। ये पहला प्रोसीजर है। अब हम पहला प्रोसीजर हम यहाँ पे फ्रेंड्स खत्म कर चुके हैं। बात करेंगे दूसरे प्रोसीजर का, कलेक्शन ऑफ मटेरियल। अब हमें क्या करना है कि ये तो कंटेनर क्लोजर हमने इकट्ठा कर लिया, अब हमें मटेरियल इकट्ठा करना है। मटेरियल आपको बताया था मैंने कि जब भी कोई मटेरियल, जब भी हम बनाएंगे पेरेंटल प्रोडक्ट, तीन तरह के चाहिए होते हैं मटेरियल। एक होता है एपीआई, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करिए, इसको आप ढूंढिए, उसके बाद इसके लिए हम कौन सा यूज करेंगे, व्हीकल यूज करेंगे, यानी कौन सा सॉल्वेंट यूज करेंगे, अगर ये एक्वस है या नॉन एक्वस है उसको चूज करेंगे, इसको इकट्ठा करेंगे, और तीसरी मटेरियल है इसका एक्सिपिएंट या एडजुवेंट, जो भी इसमें पड़ेगा, बफरिंग एजेंट, चिलेटिंग एजेंट, माइक्रोबियल एजेंट, मैंने बताया था बस एसएससी, वो सारा कुछ यहाँ पे कलेक्ट करके सबको पहले हम पायरोजन फ्री करेंगे, स्टेराइज करेंगे, सारे मटेरियल को इकट्ठा करेंगे। ये दूसरा स्टेप है कलेक्शन ऑफ मटेरियल, सिर्फ हमें सबको इकट्ठा करना है बारी बारी से और सेपरेटली रखना है प्रॉपरली स्टेराइज करने के बाद। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, आफ्टर द कलेक्शन ड्राइंग एंड कलेक्शन ऑफ क्लोजर एंड कंटेनर, नाउ सेलेक्ट द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एंड सुटेबल व्हीकल सॉल्वेंट एंड अदर एडजुवेंट मटेरियल एंड कलेक्ट ऑल दिस मटेरियल, पुट इन अ सेपरेट कंटेनर आफ्टर स्टरलाइजेशन एंड इट शुड बी पायरोजन फ्री। ओके, ये हमारा जो व्हीकल है वो पायरोजन फ्री होना चाहिए।
तीसरे स्टेप की बात करते हैं फ्रेंड, अब क्या करेंगे हम इन तीनों को आपस में मिक्स करेंगे। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंटेनर लेंगे, उस कंटेनर में हम क्या लेंगे, अपना व्हीकल लेंगे। व्हीकल मतलब हमारा जो सॉल्वेंट रहेगा इसको लेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एपीआई को मिक्स करेंगे, एपीआई को इसके अंदर डिजोल्व करेंगे। जब एपीआई पूरी तरह से डिजोल्व हो जाएगा तो बाकी के जो एडजुवेंट्स हैं, जैसे कि आपके चिलेटिंग एजेंट, विस्कोसिटी एजेंट, थिकनिंग एजेंट और जो भी माइक्रोबियल है, प्रिजर्वेटिव है, सारा कुछ बारी बारी से ऐड करेंगे, सीक्वेंस के हिसाब से, प्रोसीजर के हिसाब से, एसओपी के हिसाब से, और फिर इसको हम मेंटेन करेंगे। तो अगला है क्या, हमारा प्रिपरेशन ऑफ पैरेंटल प्रोडक्ट, यानी इस स्टेप में सबको मिला के एक बड़े से कंटेनर में हम इसको प्रिपेयर कर लेंगे, छोटे छोटे कंटेनर, बड़े से कंटेनर। तो इन इसमें क्या लिखेंगे, इन दिस स्टेप इन अ लार्ज कंटेनर, फर्स्ट ऑफ ऑल द एपीआई इज डिसॉल्व इनटू द व्हीकल, एंड आफ्टर डिसॉल्वेशन ऑफ व्हीकल वी ऐड डिफरेंट एडजुवेंट इन एज पर द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपीज एंड फॉर्म आ ड्रग बेस। यानी क्या करेंगे, हम पूरा पैरेंटल प्रोडक्ट को बना लेंगे। अब बनाने से पहले, क्योंकि फ्रेंड ये हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस बहुत ही एक्यूरेट होना चाहिए, आइसोटोनिक होना चाहिए, इसमें कोई भी पार्टिकल नहीं होने चाहिए, तो चौथा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, फिल्ट्रेशन। अब एक बार हमने जब इसको कंटेनर में, यानी अगर हम आपसे कहें कि हमारे पास ये एक बड़ा सा कंटेनर है और उस कंटेनर में हमारे सारे जो पैरेंटल प्रिपरेशन है वो बन के तैयार हो गए, अब क्या करेंगे हम, डिफरेंट फिल्टर मीडिया का यूज करके या डिफरेंट फिल्टर पेपर का यूज करके, जैसे आप देखते हैं हम यहाँ पे फिल्टर पेपर लगाएंगे। अब ये फिल्टर पेपर वॉटमैन फिल्टर पेपर हो सकता है, पोर्सिलिन डिस्क हो सकता है, किसी भी फिल्टर पेपर का यूज करके हम इसको इसमें पोर करेंगे और यहाँ पे हम फिल्ट्रेट प्राप्त करेंगे। फिल्टर क्यों करना है, क्योंकि फ्रेंड आपके ये जो ड्रग है, पैरेंटल प्रोडक्ट है, डायरेक्ट ब्लड में जाने हैं, इसलिए जरूरी है कि इसमें बिल्कुल छोटे से भी छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमारे ब्लड में जाकर ब्लड सेल कोई चोक कर सकते हैं, कोई रिएक्शन कर सकते हैं, तो इसलिए इसको फिल्टर होना जरूरी है। तो नेक्स्ट स्टेप है फिल्ट्रेशन। इसमें आप क्या लिखेंगे कि बिकॉज द पैरेंटल प्रोडक्ट्स आर डायरेक्टली गिविंग इनटू द ब्लड सर्कुलेशन, सो इट शुड बी फ्री फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स एंड सिंपल पार्टिकुलेट मैटर्स। ठीक है, तो सो आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ पैरेंटल प्रिपरेशन इट इज फिल्टर्ड बाय यूजिंग सिंटर्ड ग्लास फिल्ट्रेशन या वॉटमैन फिल्टर पेपर। इसके द्वारा क्या करेंगे, हम फिल्टर करेंगे और फिल्ट्रेट को हम इसको अलग करेंगे, ये हमारा फिल्ट्रेट है। पांचवें स्टेप की बात करेंगे, फिलिंग। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, फिलिंग करेंगे, यानी हमको क्या करना है कि अब फिलिंग करना है। डिस्टर्ब दीजिए, क्या करेंगे इसको हम फिलिंग करेंगे। फिलिंग कैसे करेंगे कि अब हमारे पास फिलिंग के भी अलग अलग तरीके हैं, कुछ एम्प्यूल्स होते हैं और कुछ वायल्स होते हैं, तो एम्प्यूल्स और वायल्स के द्वारा हम इसमें फिलिंग करेंगे। तो हो सकता है कि हमारा जो कंटेनर है जिसको हम फिल कर रहे हैं, ये इस तरह से पाइप्स बने होते हैं और यहाँ पे हम ये वॉयल्स में फिलिंग कर रहे हैं, या हो सकता है कि इस पतली ट्यूब के द्वारा हम एम्प्यूल में फिलिंग कर रहे हैं। ठीक है, या हम किसी इन्फ्यूजन बॉटल्स में, जो बड़े वाले बॉटल्स होते हैं इन्फ्यूजन बॉटल्स, उसमें भी हम फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा इन्फ्यूजन के फॉर्म में, इन्फ्यूजन बॉटल्स। यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के कंटेनर्स में फिलिंग कर सकते हैं, चाहे वो बॉयल हो, चाहे वो एम्प्यूल हो, चाहे वो बॉटल्स हो, और ये सबके फिलिंग के तरीके भी अलग अलग होते हैं। इसमें हम दो तरीके से फिलिंग कर सकते हैं फ्रेंड, एक होता है सेमी ऑटोमेटिक फिलिंग। इसमें क्या होता है सेमी ऑटोमेटिक फिलिंग में, मशीन, ये एक मशीन होती है जिसमें एक फिक्स मीटर होता है, जहां से कंटेनर्स में हर हम यहाँ पे वॉल्यूम सेट करते हैं, 5 ml, 10 ml, 15 ml या 100 ml, जो भी वॉल्यूम हम फिक्स करेंगे हर 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड के डिफरेंस में, वो अपने आप उतना का मीटर अपने आप उतना वॉल्यूम एडजस्ट करेगा मशीन और उतना लिक्विड बाहर निकालेगा। और हमें क्या करना है, बारी बारी से बोतल हाथ से लगाना है और फिर जैसे भर जाए तो दूसरा लगाना है, वो भर जाए तो तीसरा लगाना है, यानी एम्प्यूल वायल जो भी है हमें अपने हाथ से लगाना है, वो सेमी ऑटोमेटिक है। एक होते हैं फुली ऑटोमेटिक। फुली ऑटोमेटिक में क्या होता है बॉस, कि फुली ऑटोमेटिक में हमको बस बोतल कंटेनर्स में फिक्स कर देना है, कन्वेयर अपने आप बेल्ट के द्वारा बोतल्स अपने आप आगे बढ़ते रहते हैं, फिलिंग होती रहती है, हमें अपने हाथ से बोतल्स भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस हम कन्वेयर में बोतल्स को लोड कर देते हैं और ये कन्वेयर आगे बढ़ता रहता है और अपने आप फिलिंग होती रहती है, दिस इज द फिलिंग। क्लियर, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, आफ्टर द प्रिपरेशन एंड फिल्ट्रेशन ऑफ द पैरेंटल प्रोडक्ट्स इट शुड बी फिल इनटू द एप्रोप्रिएट कंटेनर्स लाइक एम्प्यूल्स वॉयल्स एंड इन्फ्यूजन वाटर। ठीक है, इट कैन बी फिल्ड विद द हेल्प ऑफ मशीन, इट इज ऑफ टू टाइप, एक सेमी ऑटोमेटिक मशीन एंड फुली ऑटोमेटिक मशीन, एंड द वॉल्यूम एंड द अमाउंट पर आवर इज ऑलरेडी फिक्स्ड, कितना वॉल्यूम होना है वो पहले से फिक्स्ड रहता है। तो ये हो गया फ्रेंड हमारा फिलिंग।
अब हम बात करेंगे इसके सीलिंग की। आखिरी अगली स्टेप है, स्टेप नंबर 6 है सीलिंग द कंटेनर। यानी एक बार हमने बॉटल्स को फिल कर लिया तो अब हम इन बॉटल को सील कैसे करेंगे, हम इनकी बात करते हैं। देखिए इन बॉटल्स में हमने माना कि ऑलरेडी हमने जो भी हमारा भरना था हमने यहाँ पे कंटेनर में हमारा पैरेंटल प्रोडक्ट भर गया है। अच्छा वॉयल को सील करने का तरीका क्या है फ्रेंड, कि वॉयल के ऊपर एक प्लास्टिक की यानी एक रबर की कार्क, आपने रबर ढक्कन देखा होगा किसी सीसी में, वो रबर की कार्क कुछ यूं होती है अगर आपको याद होगा, कुछ यूं बना होता है। वो क्या करते हैं इसके ऊपर हम यहाँ पे फिक्स करेंगे और फिक्स करने के बाद एल्युमिनियम फॉयल से पैक कर देंगे। ये सीलिंग मशीन अलग आती है, जिस तरह से फिलिंग मशीन है उसी तरह से सीलिंग मशीन आती है। जब ये वॉयल आगे बढ़ेगा तो कैप अपने आप नीचे सेट होगा और ऊपर से एल्युमिनियम फॉयल से पैक हो जाएगा, ये इसकी सीलिंग है। अच्छा एम्प्यूल की सीलिंग थोड़ी सी अलग होती है। एम्प्यूल की सीलिंग में क्या होती है फ्रेंड, आपको यहां से फ्लेम पास करना होता है, फ्लेम मतलब आग पास करते हैं, क्योंकि इसका ढक्कन जो ऊपर से खुला होता है, जब आप इसको फ्लेम ऊपर से पास करते हैं तो इसका ये जो ढक्कन है ऊपर का ये खूब ऊंचा लंबा होता है, और जब ये खूब पिघल जाता है एकदम रेड हॉट हो जाता है तो आपको इसको मोड़ देना होता है। आपको उसका करते हैं स्पेशल टाइप का होता है उसे से फोल्ड कर देते हैं तो ये आगे से शीशा जो है वो सील हो जाता है। यानी इसमें कोई भी ढक्कन अलग से नहीं लगाया जाता बल्कि इसके नेक को ही हीट करके फ्लेम से सील कर देते हैं ताकि जब ठंडा होने पर ये पूरा का पूरा सील हो जाता है, और जब डॉक्टर को इंजेक्शन निकालना होता है तो ऊपर से छोड़ते हैं और इसको इंजेक्शन निकालते हैं। दिस इज द एम्प्यूल। ठीक है, तो एम्प्यूल में क्या होता है फ्लेम के द्वारा सीलिंग होता है, और इसमें भी क्या होता है प्लास्टिक के कंटेनर लग के सील हो जाते हैं इन्फ्यूजन के केस में। तो हमने इस पॉइंट लिखेंगे द सीलिंग ऑफ द कंटेनर, सीलिंग ऑफ द कंटेनर इज द नेक्स्ट प्रोसेस आफ्टर द फिलिंग एंड इट कैन बी परफॉर्म बाय द सीलिंग मशीन। ठीक है, इन द बॉयल कंटेनर द क्लोजर ऑफ रबर इज अवेलेबल विच आर इज सील्ड एंड फ्रॉम अबव द एल्युमिनियम फॉयल इज रैप्ड, ऊपर से लगाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इन द एम्प्यूल सीलिंग द नेक ऑफ द एम्प्यूल इज हीटेड विद द फ्लेम एंड आफ्टर हॉट हीटेड दे कैन बी सील्ड विद द हेल्प ऑफ ग्लास। ठीक है, यानी विद द हेल्प ऑफ रॉड के हेल्प से इसको हम सील कर देते हैं एंड दे डू नॉट कंटेन एनी स्पेशल काइंड ऑफ क्लोजर, इसमें कोई ढक्कन नहीं लगता है, बस इसी नेक को हम यहाँ से सील कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड सीलिंग ऑफ द कंटेनर। अब हम बात करेंगे फ्रेंड स्टरलाइजेशन की। अब हमने क्या किया कि एक बार इसको हमने सारे कंटेनर्स को सील कर दिया, चाहे वो एम्प्यूल हो गए चाहे वो बॉयल हो गए। अब इनको सील करने के बाद इनको स्टरलाइज करना होता है। आपने स्टरलाइजेशन प्रोसेस पढ़ा है, स्टरलाइजेशन प्रोसेस हमने पढ़ा क्या होता है कि किसी भी कंटेनर को या किसी भी मटेरियल को बैक्टीरिया और वायरस से पूरी तरह से फ्री करने के लिए हम उसको हीट करते हैं, ये स्टरलाइजेशन होता है। अब आपने स्टरलाइजेशन में पढ़ा है आपके फिजिकल केमिकल मेथड में, तो यहाँ पे बेसिकली दो मेथड इन्वॉल्व होता है, एक ड्राई हीट मेथड और दूसरा मॉइस्ट हीट मेथड। आपने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा होगा आपको याद होगा, एक होता है ड्राई हीट मेथड और मॉइस्ट हीट मेथड। तो बेसिकली जब एम्प्यूल और वायर का स्टरलाइजेशन करते हैं तो वो मॉइस्ट हीट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। मॉइस्ट हीट मेथड में आपको याद होगा ऑटोक्लेव होता है, आपने लैब में देखा होगा ऑटोक्लेव एक कुकर की तरह मशीन होता है जिसके अंदर खोलते हैं पानी भरते हैं प्रेशर क्रिएट करते हैं हीट करते हैं और कंटेनर्स को रखते हैं और फिर बाद में निकाल लेते हैं, पहले लोड करते हैं फिर अनलोड करते हैं। दिस इज कॉल्ड मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। इसका एक पैरामीटर होता है कि अगर आप किसी टेम्परेचर, अगर आपने टेम्परेचर को 115 डिग्री सेल्सियस रखा है कंटेनर का, तो आपको उसको कम से कम आधे घंटे के लिए स्टरलाइज करना पड़ेगा, और अगर आपने 131 डिग्री सेल्सियस रखा है तो आपको 15 मिनट के लिए उसके अंदर छोड़ना होगा। जब 15 मिनट के लिए आप छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा स्टरलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप है स्टरलाइजेशन। तो आफ्टर द फिलिंग एंड सीलिंग ऑफ द कंटेनर्स एंड क्लोजर्स इट शुड बी रिक्वायर्ड टू द स्टरलाइजेशन ऑफ द कंटेनर बिकॉज ड्यूरिंग द प्रोसेस मे बी सम माइक्रोब्स या कंटामिनेटेड प्रोडक्ट माइक्रोब्स और वायरस एंड बैक्टीरिया कैन बी अटैक ऑन द कंटेनर एंड आफ्टर द स्टरलाइजेशन द प्रोडक्ट्स कंटेनर इज फाइनली फ्री फ्रॉम द माइक्रोब्स एंड इट इज बेसिकली परफॉर्म बाय द मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन मेथड। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, इन मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन मेथड बेसिकली ऑटोक्लेव आर यूज एंड इफ इन द ऑटोक्लेव द कंटेनर्स द वॉयल एंड एम्प्यूल्स आर लोडेड फॉर 30 मिनट एट 150 डिग्री सेल्सियस और फॉर 15 मिनट एट 121 डिग्री सेल्सियस। इतनी देर के हम छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक क्या होंगे वो फिल कर सही हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे फ्रेंड आठवां मेथड है इवेल्युएशन। सात वाली आपने स्टरलाइजेशन कर दिया, अब आपको क्या करना है स्टरलाइज करने के बाद पहले आप उस प्रोडक्ट को इवेल्युएट करेंगे कि क्या हमारा प्रोडक्ट मार्केट के भेजने लायक हो गया है कि नहीं हुआ है। तो मार्केट भेजने लायक हुआ है कि नहीं हुआ है उसको चेक करने से पहले इवेल्युएशन करते हैं। अब इवेल्युएशन में कौन कौन से टेस्ट करते हैं, सबसे पहला है फ्रेंड लीक टेस्ट।
लीक टेस्ट में क्या होता है फ्रेंड कि आपका जो कंटेनर है जिसको आपने क्लोज किया है, ठीक है, जो आपका कंटेनर है आपने जिसको रखा है ऊपर से बंद करके, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कंटेनर बाद में लीक करे, कहीं से अगर हल्का सा भी होल होगा तो माइक्रोब्स इसके अंदर घुस जाएंगे और ये आप ट्रांसपोर्टेशन करेंगे बेचेंगे तो ये गिरेगा। तो इसको लीक टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं फ्रेंड, एक बड़ा सा हमारे पास कंटेनर होता है, उस कंटेनर के अंदर डाई होता है, नीले कलर का वाटर सोल्यूशन होता है जिसके अंदर हम इसको फिल कर देते हैं, इसको फिल करते हैं और उसको 10 मिनट के लिए हम बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेशर पे इसको सेक करते हैं। क्या होगा जब स्ट्रॉन्ग प्रेशर पे सेक होगा तो इसके अंदर अगर थोड़ा सा भी छेद होगा क्लोजर में तो इसका नीला सोल्यूशन इसके अंदर भर जाएगा और ये कलरफुल दिखने लगेगा, इसका मतलब इसमें लीक, ये लीक टेस्ट फेल हो गया। और अगर इसको बाद में निकालेंगे इसके अंदर सोल्यूशन पूरी तरह से क्लियर है पहले की तरह, मतलब इसका सोल्यूशन इसके अंदर घुसा नहीं है और ये लीक टेस्ट से मालूम चल जाएगा कि ये हमारा कंटेनर प्रॉपर क्लोजिंग है कि नहीं है। तो पहला लिखेंगे लीक टेस्ट इज परफॉर्म फॉर टू इवेलुएट द प्रॉपर क्लोजिंग ऑफ द कंटेनर, ठीक है, बाय यूजिंग द डाई सोल्यूशन, इतना ही लिखना आपके लिए काफी है, ठीक है। ये होता है इवेलुएशन में पहला लीक टेस्ट हो गया। दूसरा फ्रेंड आपने सुना होगा क्लैरिटी टेस्ट, क्लैरिटी टेस्ट आप जानते हैं क्या होता है, क्लैरिटी टेस्ट में क्या होता है कि आपका जो सोल्यूशन है उस सोल्यूशन को हम बैकग्राउंड के पीछे रखते हैं, एक बार व्हाइट बैकग्राउंड एक बार ब्लैक बैकग्राउंड, ये व्हाइट हो गया और एक ब्लैक हो गया, आपने कॉलेज की लैब में देखा होगा। और अपने कंटेनर को जब हम व्हाइट और ब्लैक के सामने दोनों रखते हैं तो क्या दिखाई देता है, अगर हमारे कंटेनर के अंदर कोई ब्लैक पार्टिकल होगा छोटा सा तो जब हम व्हाइट बैकग्राउंड के सामने रखेंगे तो वो ब्लैक पार्टिकल हमको आसानी से दिख जाएगा, और अगर इस कंटेनर के अंदर कोई व्हाइट पार्टिकल की इंप्योरिटी है तो ब्लैक बैकग्राउंड के सामने रखेंगे तो हमको तुरंत व्हाइट वाला दिख जाएगा। तो व्हाइट या डार्क या लाइट दोनों प्रकार के पार्टिकल्स को चेक करने के लिए हम लोग क्लैरिटी टेस्ट करते हैं। तो क्लैरिटी टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटेक्ट द स्मॉल पार्टिकल्स इज प्रेजेंट इन द पैरेंटल प्रोडक्ट्स एंड फॉर दिस वी आर बेसिकली यूजिंग व्हाइट एंड ब्लैक बैकग्राउंड, बस इतना यूज करके आसानी से हम क्लैरिटी टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद तीसरी पॉइंट होता है इसका कंटेंट यूनिफॉर्म कंटेंट टेस्ट, या हम कह सकते हैं ड्रग एसे, यानी जो आपने ड्रग उसमें मिलाया है क्या वो ड्रग का कंसेंट्रेशन प्रॉपरली है कि नहीं है, जैसे आपने कहा 0.01% NaCl है या 0.2% है तो उसको वैसे ड्रग की एनालिसिस करते हैं, ऐसे करते हैं उस हिसाब से करके इसको हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। बेसिकली यही हमारे टेस्ट होते हैं और कुछ खास टेस्ट इसमें नहीं होता है। और लास्ट स्टेप है फ्रेंड लेबलिंग एंड पैकेजिंग। और जब आपने इवेल्युएशन किया और आपके सारे प्रोडक्ट इवेल्युएशन में पास हो गए कि हाँ अब ये पूरी तरह से सही है, अब आप इसको मार्केट में भेज सकते हैं, तो आप उसके ऊपर लेबल चिपकाते हैं, उसको पैक करते हैं। तो जो लेबल होता है उस लेबल में कुछ खास चीजें होनी बहुत आवश्यक है, वो आपको ध्यान देना है। कौन कौन सी चीज, सबसे पहले आपके कंपनी का नाम, ठीक है, जैसे आपने कंपनी मान लीजिए KCL फार्मा नाम है कंपनी का, तो उस कंपनी का नेम होना चाहिए, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर, कंपनी का एड्रेस, ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका कंपोजिशन, यानी आपने जो ड्रग यूज किया है उसका कंपोजिशन क्या है, उसमें क्या कितना परसेंट क्या एक्सीपिएंट है, क्या API है। उसके बाद आपके ब्रांड नेम, कंपनी का जो ड्रग का ब्रांड नेम है वो होना चाहिए। उसके साथ साथ इसके मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसकी एक्सपायरी डेट, उसकी MRP और उस पर इंडिकेशन बहुत जरूरी है। इंडिकेशन में क्या लिखेंगे, कीप अवे फ्रॉम द चिल्ड्रेन, स्टोर इन टू द बिलो 8 डिग्री सेल्सियस, स्टोर बिलो 25 डिग्री सेल्सियस, जिस तरह का इंडिकेशन है वो आपके लेबल में प्रॉपरली होना चाहिए। बाकी और भी चीजें होनी चाहिए, शेड्यूल एक्स वगैरह, शेड्यूल एक्स, शेड्यूल वाई, जो भी है आपको शेड्यूल मेंशन करना है। तो ये पैकेजिंग के लेबल में प्रॉपरली ये चीजें होनी चाहिए, तो आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने फ्रेंड 9 स्टेप में बना लिया कि कैसे हम लोग क्या बनाएंगे, पैरेंटल प्रिपरेशन बनाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन इससे पूछा गया है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे, आपको क्लास कैसे भी बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।